गणेश विसर्जन के समय लोग दूसरों की परवाह किए बिना ही तेज साउंड में डीजे बजाते हैं, जिसकी वजह से बड़े बच्चे युवा सबको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भावनाओं को ताक पे रखकर डीजे बजाते हुए चले जाते हैं। इसी तरह सड़कों पर गुलाल फेंकते हुए जाते हैं, जिससे लोगों की आंखों में ये गुलाल पड़ता है और इससे आंखें खराब होने का भी अंदेशा होता है। गणेश विसर्जन के समय लोग गहरे पानी तक उतर जाते हैं, जहां पर बहुत सारी घटना देखने को मिलती है। इनमें से एक घटना ये है। 12 सितंबर गणेश विसर्जन करते हुए वीरवार की देर शाम अलीपुर इलाके में दो छात्राएं और दो छात्र नहर में डूब गए। इनकी तलाश के लिए देर रात तक ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन गोताखोर नाकामयाब साबित हुई। लड़कियों की पहचान प्रियंका और पिंकी, जबकि लड़के की पहचान निकित और उमेश के रूप में की गई। चारों निहाल विहार के मामूर नगर में रहने वाले हैं और चारों दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। सूत्रों के माने तो सभी जब विसर्जन के लिए इलाके से निकले थे, चारों जब साथियों के साथ अलीपुर की बड़ी नहर में मूर्ति विसर्जित कर रहे थे, तभी हादसा हुआ। वह नहर के तेज बहाव की चपेट में आ गए। तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम और दमकल को मामले की सूचना दी गई। उन चारों बच्चों का अभी तक पता नहीं चला है, इसलिए त्योहार को इस तरह मनाइए ताकि अपने को भी हानि ना पहुँचे और दूसरे को भी हानि ना पहुँचे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।